अस्सलाम वालेकुम। क्लास ट्वेल्थ और मैथ्स का चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं और आज पार्ट 3 है और 21 से लेकर 30 एमसीक्यूज इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि बताया चैप्टर 1 से 3 तक का इसका ताल्लुक है। तो फौरी तौर पे चैप्टर नंबर 1 फंक्शन एंड लिमिट से स्टार्ट करते हैं। तो याद रखिए कि 21 से पहले हमारे दो पार्ट आ चुके हैं, उसे आप लाजमी देखिएगा। इंशाल्लाह आपके 40 एमसीक्यूज के पॉइंट्स से लाजमी आपके काफ़ी एमसीक्यूज लगेंगे। और ये सिर्फ 40 नहीं है, बल्कि जैसे आप देखें 21 के अंदर मैंने यहाँ पे 4 एमसीक्यूज लिए हैं, क्योंकि मैं वो काम नहीं कर रहा जिससे कि आपको ख़तरा हो। मैं वो काम कर रहा हूँ जिसमें आप बिल्कुल अपने आप को पूरे नंबर एमसीक्यूज में लेने की आप में सलाहियत हो सकती है। क्योंकि अगर मैं एक एक 40 पॉइंट्स लेता तो फिर 20-24 एमसीक्यूज के आ जाने के तो चांसेस थे। लेकिन जब मैं 4-4 पार्ट्स ले रहा हूँ जहाँ मुझे पता लग रहा है कि यहाँ से ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, तो एक तरह से ये 40 एमसीक्यूज नहीं है, ये आपके 60-70 या 60 कम अज़ कम एमसीक्यूज हैं। और 60 में बंदा कह सकता है कि 40 आने के चांसेस है, 40 नहीं तो समझ ले 35 तो इंशाल्लाह आपके आ जाएंगे। तो सबसे पहले एमसीक्यूज वो है जो कि मेरे नज़दीक जो है 80% कन्फर्म आने के चांसेज हैं। सबसे पहले अ फंक्शन एफ इज सेट टू बी ऑड व्हेनेवर। अब हमें सिर्फ और सिर्फ ये याद रख लेना है कि अगर ऑड फंक्शन कहता है तो हमारे पास इस तरह से ऑप्शन दिया होगा f माइनस x इक्वल टू माइनस एफ एक्स, तो ये ऑड फंक्शन कहलाएगा। तो आपके ऑप्शन के अंदर जो भी इस तरह का ऑप्शन हो आप उसे टिक कर दें। लेकिन चूंकि ऑड की जगह यहाँ पे इवन फंक्शन भी हो सकता है, तो इवन फंक्शन में हमारा f ब्रैकेट में माइनस x तो होगा, लेकिन इक्वल टू के बाद ये प्लस एफ एक्स होगा, जो मैं अगली एमसीक्यूज में आपसे डिस्कस करता हूँ। लेकिन अगर तो आपसे ऑड फंक्शन पूछे तो आपने इसको टिक करना है। और अगर आप जैसे कि अभी ऑड पूछा हुआ है, ये किसी साल का एमसीक्यूज है, मैंने उसी को ही कॉपी किया हुआ है। लेकिन अगर वो इवन पूछता है तो 10 ईयर के अंदर इवन नहीं आया, लेकिन आ सकता है, जब ऑड आ सकता है तो इवन भी आ सकता है। तो इवन में प्लस एफ एक्स वाले को टिक करना है, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर ये पॉइंट नहीं देते तो फिर ये वाला पॉइंट आने के चांसेस हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी हैं। सबसे पहले ये कि आपको एक फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है और यही पूछना चाह रहे हैं कि ये ऑड है, इवन है, या फिर दोनों नहीं है। तो इसके लिए आपने ये करना है, जैसे इस वाली एमसीक्यूज को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, कि अगर मैं एफ एक्स की जगह यानी एक्स की जगह माइनस एक्स लिखना है, ठीक है, ये इसका तरीकाकार है। तो x जहाँ जहाँ है वहाँ पे ब्रैकेट के अंदर माइनस एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे भी x का स्क्वायर हो रहा है तो माइनस एक्स का स्क्वायर होगा। अब हमें ये देखना है कि अब ये जब एब्सोल्यूट वैल्यू लगी होती है तो अंदर का माइनस जो है वो आपका प्लस x हो जाता है, ठीक है, और प्लस तो प्लस ही रहेगा, और ये माइनस x का स्क्वायर भी जो है इसे माइनस को जो है वो प्लस कर देगा, या दूसरे अल्फाज में सिर्फ मैं इसको प्लस करूँगा। अब आपने ये देखना है कि एक्स की जगह माइनस एक्स रखने के बाद अगर तो आपकी शक्ल सेम टू सेम वही आती है जो कि एफ एक्स वाली है, जैसे कि यहाँ पे अगर एफ एक्स आ रहा है प्लस के अंदर, अब जैसे यहाँ पे एफ एक्स जो फंक्शन था वो ये था, और अभी भी इस फंक्शन में कोई तब्दीली नहीं आई, बिल्कुल सेम टू सेम वही आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा कि ये जो है प्लस ना भी लिखूँ, लेकिन समझाने के लिए लिख रहा हूँ प्लस एफ एक्स है। तो ये जो हमारे पास फंक्शन है ये इवन फंक्शन कहलाएगा, और यहाँ पे भी हम लिख देते हैं कि ये इवन फंक्शन है। अब एक हमने और के लिहाज से लिया है, अब यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स लिखा हुआ है, साइन एक्स भी हो सकता है, कॉस एक्स भी हो सकता है, टेन एक्स भी हो सकता है, या साइन एक्स कॉस एक्स भी हो सकता है, लेकिन चूंकि सेम टू सेम आने के चांसेस तो बहरहाल हो सकते हैं, लेकिन नहीं भी हो सकते। लेकिन इसके लिए हमें ये तीन बातें नोट करनी पड़ेंगी कि हमेशा याद रखें कि हमारे फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्री में था कि अगर साइन का एंगल नेगेटिव होता है तो ये इक्वल होता है माइनस साइन एक्स का, ठीक है, और इसी तरह साइन के बजाय अगर कॉस का एंगल माइनस एक्स होता है तो ये इक्वल होता है प्लस कॉस एक्स के, तो और टेन अगर हमारे पास माइनस एक्स हो तो ये भी साइन की तरह माइनस टेन एक्स के इक्वल होता है। तो अब सिंपल ये है कि आपको आसानी से समझ आ जाए, तो यहाँ पे देखें साइन एक्स है, और साइन एक्स को अगर हम करेंगे तो हमारे पास माइनस साइन एक्स आएगा, और अगर हम इसमें जैसे कि पहले था कि ऑड फंक्शन इवन फंक्शन, तो अब हम ये देख रहे हैं कि हमारा साइन एक्स और साइन एक्स में एक तब्दीली आई है कि यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस लिखने के बाद हम यहाँ पे एफ एक्स लिखेंगे, और ये चीज़ हमारी इससे मैच हुई है तो ये हमारे पास कौन सा फंक्शन कहलाएगा, ये हमारे पास ऑड फंक्शन कहलाएगा। एक हमने एग्जाम्पल दे दी ऑड की और एक हमने एग्जाम्पल दे दी इवन की। अब यहाँ पे जैसे कि हमने लिखा हुआ है और नाइदर इवन और नॉर ऑड, तो लिहाजा साइन एक्स
इसी तरह माइनस साइन एक्स आएगा, यानी कि अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो साइन एक्स हमारे पास जो है वो माइनस साइन एक्स आ जाएगा। और शॉर्ट में हम कर रहे हैं ताकि आपको ऊपर साइन एक्स का प्रोसेस समझा दिया। और कॉस जो है वो अगर एक्स को माइनस रखते हैं तो वो प्लस में कॉस एक्स आ जाता है। अब आप देखेंगे सेम टू सेम तो ये बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है इससे, क्योंकि यहाँ साइन एक्स प्लस का या नेगेटिव आ रहा है, ये प्लस का है तो यहाँ पे भी प्लस का है। अगर मैं इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लेता हूँ तो फिर भी मेरा मसला हल नहीं हो रहा, इसलिए कि ये प्लस का साइन एक्स हो जाएगा, ये माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा। तो ना मैं इस तरह से सेम टू सेम आ रहा है, ना कॉमन लेके आ रहा है। अगर कॉमन लेके आता तो फिर ऑड फंक्शन हो जाता, डायरेक्ट आता तो इवन है। तो इस सूरत में याद रखें कि इसका थर्ड ऑप्शन होता है नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक है। इस तरह यहाँ पे हमारे पास जो है एक गालिबन, यहाँ पे मैं एफ लिखना भूल गया हूँ, तो यहाँ पे एफ के लिहाज से ये हमारे पास एक लिमिट्स कह दें या रेंज दी हुई है आपको कि -1 से लेके 5 के दरमियान है। और एफ एक्स आपने पता करना है, यानी कि इसके लिहाज से, और आपको यहाँ पे एक्स की जगह उसकी वैल्यू दे रहे हैं 2। तो दो बातों का ध्यान रख लीजिएगा कि जो वैल्यू दी जाए वो इसी -1 और 5 के दरमियान होनी चाहिए, जैसे कि 2 -5 और -1 और 5 के बीच में ही आ जाता है। अभी चंद दिन पहले कॉलेज का पेपर हुआ था तो वहाँ पर यही आ रहा था कि जो वैल्यूज़ इसमें रखी गई तो वो इससे आउट थी, यानी 5 के बाद थी या -1 से पहले थी, तो वो इसमें पॉसिबल ही नहीं थी उसकी वैल्यूज़ को निकालना। और सेकंड ये है कि अभी चूंकि एक्स को 2 के इक्वल दिया हुआ है, यानी कि यहाँ एक्स है तो 2 के इक्वल दिया है, तो बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। और इसका आंसर भी मैंने लिखा हुआ है 4, तो 4 भी आप देखें कि इसी के अंदर आ रहा है। अगर इसके अंदर आ रहा है तो 4 आंसर होगा, अगर नहीं आ रहा तो फिर ये आंसर डज नॉट एग्जिस्ट करके लिख सकते हैं। एक्स की जगह जो है उन्होंने कहा 2 रखो, और सिंपल सा है कि एक्स की जगह 2 रखेंगे, स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये 4 आ जाएगा। लेकिन अगर तो ये इस यानी एफ़ का जो आंसर है इसके बीच में नहीं आ रहा है तो डज़ नॉट एग्जिस्ट, और अगर आ रहा है तो लिखा जाएगा। और ये भी इसके पॉसिबल है कि अगर एक्स इसके 5 के बाद या -1 से पहले है तो फिर ये इम्पॉसिबल होगा, ठीक है। और ये वाला पॉइंट तो बहुत ज़्यादा आता है, थोड़ा थोड़ा सा मतलब फ़र्क करते हैं। और यहाँ पे लिमिट से इसका ताल्लुक है 23 है, और अगर हम एक्स की जगह 4 रखें तो ये 0 होने से इनफाइनाइट हो जाता है, और इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें करना यह है कि आपका एक्स स्क्वायर -16 का फार्मूला अप्लाई करते हुए नीचे के ब्रैकेट को कैंसिल कर देने के बाद ये पॉसिबिलिटी होगी, जैसे एक्स -4 फार्मूला अप्लाई करने के बाद एक्स +4, और नीचे का जो आपके पास एक्स -4 दिया हुआ है वो इससे कैंसिल हो जाएगा। और फिर जैसे ही हम इसमें एक्स की जगह 4 अप्लाई करेंगे तो 4 + 4 यानी कि 8 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। और इसी तरह से एक और दिया हुआ है जिसके अंदर साइन 4x दिया है, तो याद रखें हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसमें लिमिट होती है एक्स की, यानी कि अगर मैं इसको यहाँ पे करके लिख लूँ तो एक फार्मूला होता है जिसमें एक्स की लिमिट 0 होती है, और साइन एक्स अपॉन अगर एक्स होता है यानी कि जो इसका एंगल हो वही नीचे हो तो इस सूरत में यह 1 होता है। अब यहाँ पे सिर्फ 4x है, और यहाँ पे 4x है, और यहाँ सिर्फ एक्स है, तो या 4 हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी यहाँ पे कर देंगे, और इससे ये होगा कि ये साइन 4x अपॉन 4x इस फार्मूले के मुताबिक, यानी कि 4 के बाद ये 1 हो जाएगा, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह 24 एक पॉइंट है जो कि फार्मूला भी कह सकते हैं, एक रिलेशन भी कह सकते हैं। तो इसे यहाँ तो बच्चे याद करके जाते हैं, यहाँ पर मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताता हूँ कि ऊपर और नीचे दोनों जगह इसका डेरिवेटिव ले लें, और डेरिवेटिव के बाद जो है आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं डी अपॉन डी एक्स न्यूमिनेटर में भी अप्लाई कर दूं, एक्स की पावर एन माइनस का ए की पावर एन, और नीचे भी अप्लाई कर लूं, तो डी अपॉन डी एक्स और नीचे एक्स आया एक्स माइनस ए। तो अब इसके बाद आप ये देखें कि अगर इसका डेरिवेटिव मैं अप्लाई करूँगा तो यहाँ एक्स की पावर एन आ जाएगी, और एक्स में की पावर में से एक पावर लेस हो जाएगी, और ए यहाँ पे कांस्टेंट होता है जो कि 0 होगा, और इसी तरह नीचे जो है वो dx करके कैंसिल हो जाएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, लिहाजा इसका आंसर n ब्रैकेट में x n -1 आ गया। और तो अब नंबर चैप्टर नंबर 2 और 3 को कंबाइन हम डिस्कस करते हैं, और डेफिनेशंस से रिलेटेड लाजमी एक MCQs आती है, और कभी कभार 2 भी आ सकती हैं। 25 पॉइंट में हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स लिए हैं, और इसमें से लाजमी एक आ जाएगा। सबसे पहले याद रखें कि ये तमाम डेफिनेशन है। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियंस ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड डैश। तो भाई मीडियंस सबसे पहले क्या होते हैं ये समझ लें। मीडियंस में क्या होता है कि ट्राइंगल के अंदर वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे मिड पे कोई भी लेंथ जा रही होती है, और मिड से मुराद है कि अगर फर्ज करें ये 10 इस साइड की लेंथ 10 है,
तो यहाँ से 5 और यहाँ से 5 बिल्कुल इसके सेंटर में जा रही है। इसी तरह यहाँ पे अगर 6 है तो नीचे इधर भी 6 होगा। ठीक है, आप बात समझ चुके होंगे। तो ये मीडियंस कहलाते हैं। तो मीडियंस जहाँ तीनों पॉइंट आपस में एक दूसरे को कॉन्कुरेंट करते हैं, दो पॉइंट लाइनें हो तो इंटरसेक्ट, तीन हो तो कॉन्कुरेंट है, तो वो कॉन्कुरेंसी पॉइंट आपका सेंट्रॉइड कहलाता है। ये क्लास 10 के अंदर भी बहुत पॉइंट पूछा जाता है। और इसके बाद इसी से मिलता जुलता मीडियंस चूँकि वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे मिड पे टच होते हैं, और यहाँ पे आ रहा है कि एल्टीट्यूड के हवाले से वही बात है कि पॉइंट ऑफ कॉन्कुरेंसी ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड डैश। तो ऑर्थो सेंटर इसका आंसर है। और क्लास 9 10 और सेकेंड ईयर में बहुत ज़्यादा ये नज़रअंदाज किया जाता है, सेंट्रॉयड को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन ऑर्थो सेंटर भी बिल्कुल उसी तरह है। इसमें फ़र्क ये होता है कि ये वर्टेक्स से निकलता है और ट्राइंगल के अपोजिट साइड पे 90 डिग्री बनाता है, और ये एल्टीट्यूड कहलाते हैं। और एल्टीट्यूड का जो कॉन्कुरेंसी पॉइंट है, यानी कि तीनों जो आपके एल्टीट्यूड्स जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वो पॉइंट यानी कि जो ये वाला पॉइंट है, इसे ऑर्थो सेंटर कहते हैं। जैसे ये पॉइंट सेंट्रॉइड कहलाता है, जहाँ तीनों कॉन्कुरेंसी लाइन ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। और इसके बाद एक और पॉइंट, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंटरनल बायसेक्टर ऑफ द एंगल। याद रखें, अगर एंगल्स की बात हो रही है और इंटरनल बायसेक्टर की बात हो रही है, तो इस सूरत में हमारे पास इन सेंटर होता है, क्योंकि इन सेंटर में क्या होता है कि सर्किल ट्राइंगल की तीनों साइडों से टच होता है, और यहाँ से वर्टेक्स से एक जो है इंटरनल बायसेक्टर एंगल की एक लाइन जा रही होती है, जो एंगल अगर 60 डिग्री का है तो हाफ करते हुए एक लाइन जा रही होती है। और ये दोनों जहाँ पे इंटरनल बायसेक्टर जो इंटरसेक्ट होते हैं, वो वाला पॉइंट आपका इन सेंटर कहलाता है, सर्कम सेंटर का, सॉरी यहाँ से काटना है, तो इन सर्किल का जो सेंटर कहलाता है वो इन सेंटर कहलाता है। तो इन सेंटर इसका आंसर आ जाएगा। तो एक और पॉइंट है, खतरे से निकल जाएंगे अगर ये चारों पॉइंट कर लेंगे। जैसे यह एंगल का बायसेक्टर था, इसी तरह यहाँ पे साइड का बायसेक्टर है। तो सर्किल बनता है जो ट्राइंगल के वर्टिसेस के ऊपर से गुजरता है, और ये आपका राइट बायसेक्टर भी होता है। और दूसरा ये कि बायसेक्टर ही यहाँ पे साइड का बोला हुआ है, यानी कि बायसेक्टर का मतलब है साइड के सेंटर से गुजरता हुआ ये जाता है। और इस सूरत में ये इसका जो सेंटर होता है, जहाँ ये तीनों पॉइंट मिलते हैं और एक सर्किल बनाया जाता है, उसे सर्कम सर्किल कहा जाता है, सॉरी सर्कम सेंटर कहा जाता है। चूंकि सर्कम सर्किल होता है, तो उसके सेंटर को जाहिर सी बात है सर्कम सेंटर ही कहेंगे। अब 26 पॉइंट है, और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे हमें कहा गया है कि 26 में कि इक्वेशन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देन इट्स इक्वेशन इज डैश। याद रखें कि कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के कोई भी इक्वेशन अगर लाइन पैरेलल है, तो इस सूरत में हमारे पास दो ऑप्शन हो सकते हैं। या तो आपको वाई इक्वल्स टू बी लिख के दे देंगे, या फिर कोई भी आपको नंबर लिख के दे देंगे, जैसे वाई इक्वल्स टू 7। तो याद रखें कि जो 7 की जगह -6 भी हो सकता है, -8 भी हो सकता है, पॉइंट में भी नंबर हो सकता है। इसी तरह अगर ये पूछा जाए कि इक्वेशन इज़ द पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट होगा। अगर वाई के पैरेलल पूछ रहे हैं, तो एक्स की जैसे कि वैल्यूज़ होती है, जैसे कि हमने लिखा हुआ है, या तो एक्स इक्वल्स टू ए आएगा, या एक्स इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट भी पेपर में लिखा हुआ दिया है। तो याद रखें कि ऐसा भी हो सकता है कि वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर पूछ ले, जैसे यहाँ पे पैरेलल की जगह परपेंडिकुलर हो, तो फिर आपका आंसर ये वाला आएगा। और यहाँ पे वाई के लिहाज से अगर वो परपेंडिकुलर पूछ ले पैरेलल के बजाय, तो फिर आपका आंसर इस तरह का आएगा। तो इसके बाद 27 के ऊपर बात करते हैं। तो 27 में लिखा है, द स्लोप ऑफ आ लाइन विच बाइसेक्ट्स द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो याद रखें कि 27 के अंदर दो पॉइंट आपसे डिस्कस कर रहे हैं, तकरीबन ये 70% कन्फर्म आने के चांसेस हैं, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स के पेपर में भी दिया गया है। याद रखें कि हमारे पास दो ही इसके पॉइंट बन सकते हैं, अगर ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, और ये कहा जा रहा है कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट हमारा ये है, थर्ड ये है। और हमेशा याद रखें कि इस सूरत में जब बोला जाता है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारी ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री बना रही होती है। तो हमारे पास स्लोप का एक फॉर्मूला है, जो कि क्वेश्चन के अंदर बहुत कम यूज़ हुआ है, वो है एम इज इक्वल टू 10 थीटा। अब अगर हम एम के बाद 10 थीटा की जगह हम 45 डिग्री रखेंगे, तो हमारे पास जो है इसका आंसर जो है वो 1 आ जाएगा। तो याद रखें कि जो भी ऑप्शन दिया जाएगा वो 1 आएगा। और इसी तरह अगर आपसे ये पूछा जाता है कि आप ये बताएं कि सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट का जो बायसेक्ट है, उसका स्लोप क्या होगा, तो उसमें अब फिगर जाहिर सी बात है फिर इस तरह से बननी है, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, यहाँ पे भी ये मतलब एक्स एक्सिस से ये 135 डिग्री ये बना रहा होता है,
दो ही पॉसिबिलिटी होती है, या तो ये पूछते हैं फर्स्ट और थर्ड, या फिर सेकंड और फोर्थ। तो यहाँ m इज इक्वल टू 10 थीटा की जगह हम डायरेक्ट इस दफ़ा लिखेंगे 135 डिग्री, क्योंकि ऊपर वाली बात ही रिपीट हो रही है, तो इसकी वैल्यू होती है -1। कैलकुलेटर से भी पूछ सकते हैं, ज़बानी भी याद होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद ये है कि पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कभी कभार ये यानी कि 10 ईयर में 2 टाइम कहने के आया हुआ है। इफ़ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, लाइन दी है, लाइन की इक्वेशन दी है और कहा है ये पॉइंट बताएं कि आपके ऑप्शन ही होंगे बिलो द लाइन, अबव द लाइन, ऑन द लाइन। तो याद रखें कि जब भी कोई लाइन दी जाती है तो इसमें अगर y नेगेटिव है तो इसे हमेशा पॉजिटिव करना होता है। तो लिहाजा इस पूरी इक्वेशन को हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। तो याद रखें कि 0 के लिए तो कोई साइन नहीं होती, तो ये माइनस 3x हो जाएगा और x की जगह उसकी वैल्यू रख देंगे जो कि 1 है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और y की जगह जो वैल्यू है वो रख देंगे, और ये माइनस का 5 हो जाएगा। और अगर ये 0 आता है तो ऑन द लाइन होगा, लेकिन यहाँ पे अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 3 प्लस का 2 और माइनस का 5। तो इस तरीके से ये -8 है और 2 लेस करेंगे तो -6 आएगा। याद रखें कि अगर ये 0 से छोटा हो तो बिलो द लाइन, अगर ये 0 के इक्वल हो ऑन द लाइन, अगर ये 0 से बड़ा हो तो अबव द लाइन। तो इस तरीके से हमारा ये पॉइंट 28 भी डिस्कस हो गया। आ जाते हैं 29 पॉइंट के ऊपर, जो कि चैप्टर नंबर 3 से इसका कुछ थोड़ा सा ताल्लुक है, बल्कि थोड़ा क्या मुकम्मल ही ताल्लुक है इसमें। तो इसमें टू स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द दिस इक्वेशन विल बी कॉन्सिडेंट इफ डैश। अब डैश के अंदर तो चूंकि मैं ऑप्शन नहीं लिखे, मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा वो जो बच्चे सीखना चाह रहे हैं। और सेकंड पॉइंट इसके ऊपर ये बनता है कि इसमें ये कहते हैं कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब होता ये है कि 3.3 के अंदर इस जॉइंटली इक्वेशन को डिस्कस किया जाता है, जो कि टू स्ट्रेट लाइन होती हैं और वो ओरिजिन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। अगर हम इसकी फिगर बनाएंगे तो कुछ इस तरह है कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये जॉइंटली इक्वेशन क्या होता है कि ओरिजिन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, किसी भी तरह से हो सकती है ये। तो ये जो दो लाइंस हैं ये जॉइंटली इक्वेशन है, और जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये इस तरह से, जो कि मैंने चैप्टर नंबर 7-8 की जो MCQs का फर्स्ट पार्ट है उसमें भी थोड़ा सा डिस्कस किया था इसको, वो लाजमी देखिएगा, उससे भी बहुत से पॉइंट आने के चांसेस हैं। अब कॉन्सिडेंट का मतलब होता है कि एक लाइन अगर जा रही है तो उसी के ऊपर दूसरी लाइन भी जा रही हो, मतलब कि कहने का मतलब है कि जैसे एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जा रही हो तो वो कॉन्सिडेंट लाइन्स कहलाती है। तो ये जॉइंटली इक्वेशन, जाहिर सी बात है इस टाइम जो है वो बीच में कोई ना कोई एंगल बन रहा है और तकरीबन 90 डिग्री बन रहा है, यानी इस पॉइंट के लिहाज से सही है। लेकिन अगर कॉन्सिडेंट के लिहाज से बात करें तो ये लाइन इसी लाइन के ऊपर होगी या ये लाइन इसी लाइन के ऊपर होगी। तो इस तरीके में ये होता है कि जैसे हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, उसी तरह का एक स्लोप का भी फार्मूला होता है, तो वहाँ पे भी नेचर होती है, यहाँ पे भी नेचर। अब होता ये है कि जैसे यहाँ लिखा है कि एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो, चूँकि अगर ये जीरो हो जाता है तो आपके दोनों स्लोप एक जैसे आते हैं, और जब स्लोप एक जैसे आते हैं तो जिस तरह ये लाइनें एक जैसी खींची हुई हैं तो ये सारी लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है, यहाँ जैसे ये नज़र आ रही हैं, लेकिन ये पैरेलल है क्योंकि लाइन के ऊपर से लाइन नहीं गुजर रही, लेकिन जो कॉन्सिडेंट लाइन होती है वो भी पैरेलल होती है, लेकिन उसमें कॉन्सिडेंट का मतलब ये होता है कि लाइन के ऊपर से ही लाइन जा रही है। तो ये अगर हमारे पास जीरो होगा तो हमारे दोनों स्लोप सेम होंगे, और सेम होने की वजह से लाइन के ऊपर ही से लाइन गुजर रही होगी। तो एक ऑप्शन इसका ये होता है कि एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो है, और सेकंड ऑप्शन अगर परपेंडिकुलर पूछें, जैसे कि अभी यहाँ पे परपेंडिकुलर नज़र आ रहा है, तो इस सूरत में इन दोनों के बीच में 90 डिग्री बनता है, और जब 90 डिग्री बनता है तो हमारे पास होता यह है कि इसके दो तरीके भी हो सकते हैं आपको MCQs पूछने के, कि देखें ए प्लस बी इक्वल टू अगर जीरो होता है तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, और अब जैसे ये ए है और ये बी है तो इन दोनों को ऐड करने पे अगर जीरो आ रहा है तो इसका मतलब है ये दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। लेकिन अगर आपको फर्ज करें इन दोनों पॉइंट के अलावा इस तरह से पूछ लें कि एक जॉइंटली इक्वेशन दें, और देने के बाद ये कहें कि बताओ कि कौन सी इनमें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो फिर याद रखें कि ए और बी में से किसी एक की साइन जो है वो क्या होती है, चेंज होती है, और नंबर दोनों सेम होते हैं, यानी कि नंबर आपके दोनों के सेम होते हैं। आप जाहिर सी बात है आप यहाँ से भी देख सकते हैं, अगर ये 2 है तो ये -2 होगा तो रिजल्ट 0 होगा, अगर ये 5 है तो ये -5 होगा तो रिजल्ट 0 होगा। इससे आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं
कि ए और बी दिया हुआ, तो यहाँ तो आपके पास बी माइनस में दे देंगे या फिर आपको ए माइनस में दे देंगे। तो इसका मतलब है कि इस तरह से भी ये पॉइंट पूछा जा सकता है, और नंबर भी हो सकते हैं। अगर यहाँ टू है तो यहाँ पे भी टू है, तो किसी एक की साइन उन्होंने चेंज करके दी होगी, तो जब तो इस सूरत में वो आपके परपेंडिकुलर ही कराएगा। या ये दोनों पॉइंट है ये आए हुए हैं, इन्हीं कोई डिस्कस कर रहे हैं आपको। और ये वाला भी पॉइंट बहुत ज़्यादा आता है, इसमें एक ही लाइन दी हुई है स्ट्रेट लाइन, और कहा जा रहा है कि परपेंडिकुलर के लिहाज से बताएं कि ये लाइन इसके परपेंडिकुलर की लाइन कैसी होगी। तो यहाँ पे भी वही ट्रिक है, लेकिन यहाँ पे इस तरह है कि साइन को चेंज करना होगा, फोर और फाइव में से किसी एक की साइन चेंज होगी। आप देख रहे हैं बहुत बड़ा हमें ब्लैंक की लाइन दी हुई है, ये क्यों दी है कि मैं दोनों लिहाज से बात करूँ। या तो इसका आंसर ये होगा कि फोर के साथ जो नंबर है उसकी साइन चेंज कर देंगे, बाकी पूरा सेम टू सेम ही रहेगा आपका, ठीक है। और या फिर आपके पास क्या होगा कि फोर एक्स वैसे ही रहेगा, फाइव की साइन बदल देंगे, मतलब फाइव वाई कर देंगे। तो ये दो पॉसिबिलिटी हैं, इसके लिहाज से कोई भी ऑप्शन आपको दिया जा सकता है। सबसे लास्ट में चूँकि 30 तक डिस्कस करने थे, लेकिन मेरी नज़र से एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट था, इसलिए मैं इसको 31 नहीं कह रहा है और करके एक और बार डिस्कस कर रहा हूँ, कि ये भी कभी कभी आने वाला पॉइंट है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इफ़ लाइन कॉलोनियर। अब देखो, एक लाइन अगर कॉलोनियर कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि एक स्ट्रेट लाइन है, और एक स्ट्रेट लाइन का एरिया कभी नहीं होता, क्योंकि कॉलोनियर का मतलब होता है एक ही लाइन के ऊपर पॉइंट। लेकिन अगर ये नॉन कॉलोनियर एक पॉइंट भी हो तो ये फिर ट्राइंगल बन जाती है, तो फिर लाजमी कोई ना कोई एरिया आता है। अगर इस तरह का ऑप्शन पूछ रहे हैं तो इसका एरिया आप ज़ीरो बताओगे। और अगर आपको एक फार्मूला है हमारे पास एरिए का डिटरमिनेंट्स की सूरत में, कि अगर आपको इस तरह से पॉइंट्स दे रहे हैं तो बड़े छोटे छोटे नंबर्स देंगे, और एरिया निकालने का जो फार्मूला होता है उसमें अगर आपको ट्रिक पता है कि 1/2 होता है, यहाँ एक्स वन वाई वन होता है, तो एक्स वन की जगह आप 0 0 सबसे पहले लिखो, और यहाँ पे तीनों 1 होते हैं, और फिर यहाँ पे 1 1, और फिर यहाँ पे 2 और 3। तो याद रखो कि इस 0 से हमारा, जिस बच्चों ने ये पढ़ा है कि इस 0 का मल्टीपल ये 4 नंबरों का जो भी रिजल्ट आता है तो वो 0 कर देता है, ये भी 0 कर देता है। हमें सिर्फ इस 1 के साथ क्या करना है, एक तो ये कि पहला प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है, तो ये 1 के बाद ये जो 4 है नंबर, सिर्फ और सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करना है, तो आपका एरिया यहाँ पे निकल आएगा। तो यहाँ से इसको जैसे हमने किया, 3 1 3 हो गया, माइनस का 2 हो गया, तो 1 × 1 यानी कि 1 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया आ गया। तो बिल्कुल सिंपल सा आपको MCQs के इस तरह के ऑर्डर पर देते हैं, यकीनी तौर पे अगर इस तरह का 0 0 नहीं देंगे तो ये थोड़ा सा वर्किंग इसकी बड़ी हो जाती है। तो उम्मीद है कि आपको पार्ट 3 भी अच्छा लगा होगा, आपके कॉमेंट्स हमें बताएंगे कि हमारी मेहनत आपके कितने काम आ रही है। और इंशाल्लाह चूँकि पेपर बिल्कुल करीब आ चुका है, तो आज रात को ही इसका पार्ट 4 बना दूंगा। आपसे इजाज़त चाहूँगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।